अब मेरी जल्दी आ, जल्दी चल, जल्दी जल्दी कर, जल्दी। मेरा 34 है, तेरा कितना है? अबे यार रिजल्ट आ रहा है। तो मतलब रिजल्ट आ रहा है यार, डर लग रहा है बहुत ज्यादा। बेटा एक बात याद रखना, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। हाँ वो मैं समझा, लेकिन आगे एडमिशन, अभी तेरे को समझ नहीं आता क्या? अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। यार पर मैंने कहा ना, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। अभी रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। डर लग रहा है, मैं तो पेपर में गाने लेके आया था, वो भी हनी सिंह के। एग्जामिनर तो मेरे पिछले सेमेस्टर के मार्क्स काट देगा। यार बहुत बुरा हो गया, मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे, मेरा बाप मेरे को जायदाद से बेदार कर देगा। यार मेरी बहुत पार्टी है यार, कुछ कर, जल्दी कुछ कर। हेलो यार, तुझे पता रिजल्ट आ रहा है? हाँ पता है रिजल्ट आ रहा है। तो मेरी बहुत फटी हुई है यार, मैं अपना रिजल्ट खुद नहीं देख पाऊंगा, चल मैं देख बताऊंगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं बताना, ऐसे नहीं बताओ तो कैसे बताऊं? देख अगर मेरा रिजल्ट 50% के ऊपर आया तो मुझे 2 मिस कॉल देना, और अगर 70% के ऊपर आया तो मुझे 4 मिस कॉल देना। चल ठीक है, तो टेंशन नहीं, मैं बताऊंगा। बोलना मत साले, मैं तेरा वेट करूंगा। ठीक है बताऊंगा। ओके चार बज गए। आता होगा बस रिजल्ट। मिस कॉल भी कोई नहीं आई। तू तो स्कॉलर है, इस साल भी टॉप मारेगा। अरे नहीं यार, इस साल मेरे पेपर बहुत ही खराब रहे। क्या बात कर रहा है यार, मैथ्स में तो मैं 2-3 वेरिएबल पे सिंबल्स की जगह डेक्सेस डाल के आऊँ, और इंटीग्रेशन के जो सारे स्टेप्स हैं उनको लॉन्ग फॉर्म की जगह शॉर्ट फॉर्म में लिख के आया, और फिजिक्स में इतना बड़ा ब्लंडर, 2-3 डायग्राम्स के लेवल किया ही नहीं है मैंने, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डायग्राम्स हैं उनके जो कैटलिस्ट हैं उनको मैं लॉन्ग फॉर्म की जगह शॉर्ट फॉर्म में लिख के आया यार। अपना भी हाल कुछ ऐसा ही है। ये साल के पेपर मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट पेपर जो है, सबसे वर्स्ट पेपर। अबे होता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। अबे रिजल्ट आ गया। ओह शिट यार, कितना आया? 98.6%। एब्सोल्युटली वर्स्ट, 98.6। कुत्ते की बच्ची, मुझे बोल दिया 94 आएगा, कैसे आया 96? बहन की पकौड़ी, मैं कब बोली 94 आएगा? अपने हस्बैंड के सामने उस दिन चिल्ला रही थी, मेरा 94 है, मेरा 94 है, कैसे आया 96? उस दिन मैं अपने बेट के बारे में बात कर रही थी, कुछ भी बोल दिया। तुमसे आगे निकल गई कुत्ते की बच्ची, तू मुझे हमेशा मुझसे जलती है। कैसे लाया तू 96? मेरा 94 है, हमेशा मेरा 35 आया, तेरा कितना है? 36। आज दोनों भाई पास हो गए, आज सबको बियर मिला, घर वालों को भी बियर मिला, पड़ोसियों को भी बियर मिला, ठीक है कुत्तों को भी बियर मिला।
तो मतलब तेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं है रिजल्ट की? नहीं रे, मेरा सब सेट है, एकदम सेट। मतलब देख, अगर मेरे मार्क्स अच्छे आए तो बाहर के किसी कंट्री में जाकर फर्दर स्टडीज कर लूंगा, और अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो? मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मेरे पास एक मस्त स्टार्टअप का आइडिया। स्टार्टअप? कैसा स्टार्टअप? अ वेरी अमेजिंग एंड यूनिक कैफे। ओ अच्छा, कैफे। ओ नाइस, क्या होगा इस कैफे में? अरे यू विल लव इट, माय कैफे विल सेल हैंडमेड गोरमे सिबोलिना कस्टिक बॉल्स डिप्ड इन अ स्पाइसी एंड एक्सोटिक फ्लेवर्स बटर इन सच अ वे दैट यू विल डू इट, इट विल इंड्यूस एन इमोशनल रिलेशंस इनटू योर हार्ट एंड ब्यूटीफुल। तो मतलब दूसरे लफ्जों में तू गोलगप्पे की रेडी लगाने वाला है? हाँ, गोलगप्पे की रेडी लगाऊंगा, पैसा बहुत है रेस में। एक पार्टनर की जगह है कि तेरे पास? Dash Productions. डॉक्टर दे पुत्रा।